हमारे पड़ोसी देश चाइना में एक ऐसा गांव है जहां पर पुरुषों की मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जहर की खेती है। वही जहर जो पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहर का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश में एक ऐसी जगह है जहां पर सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की खेती की जाती है। दुनिया में कुछ मैन्युफैक्चर कंपनी ऐसी हैं जो इन सांपों से निकलने वाले जहर के बदले मुंह मांगे पैसे देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि सांपों से निकलने वाले इस खतरनाक जहर के जरिए सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर के देशों में खुलेआम हो रहा है। और यही दवाई बनाने वाली कंपनियां सांपों के जहर के बदले करोड़ों रुपए लुटा देते हैं। और इन्हीं करोड़ों रुपयों को पाने के लिए चाइना का एक गांव ऐसा है जहां पर हजारों लोग हर रोज अपनी मौत के साथ खेलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चाइना के लोग कैसे सांप की खेती करते हैं और आखिरकार कैसे सांप के जहर का इस्तेमाल करके तरह तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन में एक गांव है जिसका नाम है जिसिकियाओ। इस गांव का नाम जितना अजीबोगरीब है उससे भी अजीबोगरीब है वहां के लोग। इस गांव के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज से लगभग 40 साल पहले वहां के एक शख्स ने सांपों के फार्म की शुरुआत की और उसका मकसद था सांपों के जहर को दवाई बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाना और सांपों के मांस को चीन में ऐसे लोगों तक भेजना जिन्हें सांप का मांस खाना बेहद पसंद है। और देखते ही देखते पूरे गांव ने उस आदमी से सीखकर अपने गांव में सांप पालना सीख लिया। आज के वक्त में उस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं, लेकिन उस गांव में हर साल 1 करोड़ से भी अधिक सांपों को पैदा किया जाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करने के बाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अधिक मात्रा में सांप का आखिर होता क्या है। दोस्तों, इस गांव के लोगों के सांप पालने की कई वजहें हैं। इनमें से सबसे पहला कारण है सांप का जहर, जिसकी खासियत को जानने के बाद आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि चीन के इस गांव के लोग इतना खतरा क्यों मोल लेते हैं। यहां के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान जोखिम में लेते हैं, क्योंकि सांप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। आपको बता दें कि 1 लीटर खतरनाक जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। यानी कि जिस सांप के जहर से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, उसी सांप के जहर की कीमत करोड़ों में होती है। ये सोने चांदी से भी कई गुना महंगा होता है। सांप के जहर का इस्तेमाल फार्मा कंपनी दवाइयां बनाने के लिए करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप के जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवाई बनाने में भी किया जाता है। आपने कीमोथेरेपी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें अधिकतर मात्रा सांपों के जहर की ही होती है। यही वजह है कि कीमोथेरेपी इंसानों के शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल और घातक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के दौरान मरीज के पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं। और तो और, इस खतरनाक जानवर के जहर का इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयों में भी किया जाता है। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीज को भी दिया जाता है। माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। जल्द ही ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के जहरों की सप्लाई करने लगे। यही वजह है कि चीन के जिसिकियाओ गांव में बकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं, चाइना के इस गांव के लोग जो सांपों को पालते हैं उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है चाइना का खान पान। ये तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा जानवर है जिसे चीन में रहने वाले लोग नहीं खाते हैं और उन्हीं में से एक है जहरीला सांप। चीन के लोगों को सांप का मांस बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ आपको बड़ी आसानी से सांप का मांस खाने को मिल जाएगा। चीन के उस गांव में जितने भी सांप पैदा होते हैं उनमें से अधिकतर के शरीर को चीन के और दुनिया भर के रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर सांप का मांस इतनी ही आसानी से मिल जाता है जैसे हमारे भारत में चिकन और मछली। दोस्तों, चाइना के इस गांव में सांपों को पालने का यह सिलसिला शुरू होता है आज से लगभग 50 साल पहले 1970 के दौर में। यही वो वक्त था जब चाइना के उस गांव का एक किसान बहुत ही ज्यादा बीमार था और इतना गरीब था कि वो अपनी बीमारी की दवा के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान उस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा
और उसके जहर का उपयोग करके एक खास तरीके से दवाई को तैयार किया। और उस किसान का ये तरीका बहुत ही अच्छे से काम किया और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया, जिसके बाद उसे पता चल गया कि सांप का जहर सिर्फ इंसानों की जान लेने के लिए नहीं होता, बल्कि इंसानों की जान को बचाने में भी काम आता है। जिसके बाद चाइना के उस किसान ने सांपों की खेती करनी शुरू कर दी। उस वक्त तक चाइना के लोग सांपों के जहर को पाने के लिए जंगल में सांपों को खोजा करते थे, लेकिन सांपों को पालने का काम कोई नहीं करता था। यही वजह है कि चाइना का वो किसान बड़ी जल्दी अमीर हो गया और उसकी अमीरी को देखकर गांव के बाकी लोग भी इस काम को सीख गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में चीन में सांपों की 90% डिमांड को अकेले चीन का यह गांव पूरा कर देता है, इसीलिए इसे स्नैक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। हर साल वसंत में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया में भी भेजे जाते हैं। चीन के रेस्टोरेंट में भी सांपों के मीट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगे होते हैं और बहुत ऊंची कीमत पर केवल रिहायशी होटलों में ही मिलते हैं। दोस्तों, चाइना के इस गांव में जिन सांपों को पाला जाता है, सबसे पहले तो उनसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा कराए जाते हैं, जिसके बाद सभी एडल्ट सांप को प्लास्टिक के बड़े बड़े पैकेट्स में बांधकर बूचड़ खाने में या फिर शहर के उन रेस्टोरेंट में भेज दिया जाता है जहां पर उसकी डिमांड होती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि रेस्टोरेंट और बूचड़ खाने में भेजने से पहले सभी सांपों के जहर का एक एक बूंद बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि यही तो वो जहर है जिसके बदले उन किसानों को लाखों करोड़ों रुपयों का फायदा होता है। सांप का जहर निकालने के बाद सांप को मारने के लिए सबसे पहले उसके सिर को काट दिया जाता है, क्योंकि सांप के जबड़े में अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में जहर बचा हुआ होता है और बूचड़ खाने के लोग जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहते। सांप के मरने के बाद सांपों के चमड़े को उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। अब एक तरफ जहां इन खतरनाक सांपों के जहर का प्रयोग दवा बनाने के काम में आता है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सांपों के शरीर का मांस खाने के काम में आता है और फिर इन सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट जैसी चीजें बनाने में किया जाता है। आज के वक्त में चीन के उस गांव में 3 उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीकों से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए है जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है, और एक हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि साल 2019 के अंत में चाइना से जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, कैसे उसने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचाया था और अभी भी उसका खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि कोरोना वायरस के बाद चाइना के इस गांव का खतरनाक धंधा कुछ समय के लिए रुक गया था, क्योंकि खुद चाइना के लोगों ने भी सांपों के मांस को खाना बंद कर दिया था। हालांकि कोविड महामारी जैसे जैसे खत्म हो रही है, सांपों का ये धंधा फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि सांपों के जहर की डिमांड अभी भी पहले जैसी बनी हुई है। चाइना के उस गांव को देखकर अब चाइना की दूसरी जगह के लोग भी इस धंधे में उतरना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारी मुनाफा कमाने के चक्कर में कैसे लोग अपनी जान पर खेलकर जहरीले सांपों की खेती कर रहे हैं। खैर, ये तो कुछ भी नहीं, चाइना में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बिच्छू, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी फार्म में पाला जाता है ताकि बिच्छू, घड़ियाल और मगरमच्छ खाने वाले लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। वहीं चाइना में कुछ फार्म तो ऐसे भी हैं जहां पर चूहे, चींटी और कॉकरोच की फार्मिंग की जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के लोग कितने खतरनाक होते हैं। अगर आप चाइना में होने वाली इन फार्मिंग को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।